तो बेटा हम पिछले दो लेक्चर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और हमने कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन जो हमने स्टार्ट की थी और पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी। तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो आर्टिकल है उसे कम्प्लीट करेंगे और हम लोग जो है इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है हम देखेंगे। तो ऑल ऑफ यू नो डैट कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये ऐड करें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फुल होगा और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हमने लिखी थी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें हमने लिखा था वर्क डन जब सिस्टम हीट एनर्जी एंटर हो तो हीट क्यू को पॉजिटिव लेंगे और जब सिस्टम से हीट एनर्जी एग्जिट हो तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। फिर हमने देखा कि अगर ये वाली स्टेटमेंट हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इसके एक करिस्पॉन्डिंग जो एक और स्टेटमेंट भी है जिसे हम लिखते हैं क्यू इक्वल टू यू डब्ल्यू प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो अगर वो लेंगे तो फिर कन्वेंशन को छोड़ होंगी। अगर ये लेंगे तो इसमें क्या है वर्क डन बाय सिस्टम को हम नेगेटिव लेंगे एंड वर्क डन ऑन सिस्टम को हम पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद बेटा बड़ी क्लियरली से पहले बात हो चुकी है। अब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, कल हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी एडियाबेटिक प्रोसेस में और हमने देखा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें ना तो हीट एनर्जी एंटर होती है ना एग्जिट होती है, ऐसे हम थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसके लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या लिखते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू, ये था इन जनरल, बट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा कल हमने इसे लिखा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू जीरो होगा, ना तो हीट एनर्जी एंटर होगी बेटा ना एग्जिट होगी, ना हीट एनर्जी पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी, जीरो होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव वर्क हुआ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। पॉजिटिव वर्क से मुराद है कि पिस्टन ये जो है हमारे पास एक सिलेंडर है इसके अंदर गैस है, अगर पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है तो वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, और अगर ये पिस्टन अपवर्ड मूव करता है तो गैस फैलेगी, तो अपवर्ड मूव करेगा वर्क विल बी नेगेटिव, वर्क विल बी नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होने से मुराद है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने से मुराद है सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है। मतलब जब गैस ये जो सिस्टम है हमारा अपवर्ड मूव करेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और नेगेटिव अगर डाउनवर्ड मूव करेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो बेटा इसी तरह कल हमने यहाँ पर साबित किया था कि पी वी गैमा डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोगों ने कल साबित किया था। तो बेटा इसी तरह हमने यहाँ पे साबित किया था इसी से टी वी गैमा माइनस वन डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरह हमने वर्क डन इससे पहले चैप्टर में निकाला वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अक्सर पेपर में आता है प्रूव दैट द पीवी गामा इक्वल्स कांस्टेंट या टीवी गामा माइनस 1 इक्वल्स कांस्टेंट, या फिर हम वो हमें ये कह देते हैं कि फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बेटा तो हमारे पास पीवी गामा इक्वल्स कांस्टेंट आया, तो अगर मैं इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रा करूं वॉल्यूम को अलोंग y एक्सिस एक्सिस लूं और प्रेशर को अलोंग y एक्सिस लूं तो बेटा इसकी कर्व कुछ ऐसी आएगी जो बड़ी स्टीपर होगी, क्योंकि ये अब प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है जैसा कि उधर था क्या था आपका बॉयल्स लॉ, बल्कि ये क्या है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बी रेज पावर गामा, यानी ज्यादा जल्दी से प्रेशर कम होगा। दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वॉयल्स लॉ।
बेटा ये कल का लेक्चर है, इसके प्रूफ दोनों का प्रूफ बड़ा इन डिटेल कल हमने स्टडी किया था। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो कल वाला लेक्चर भी यूट्यूब पे मौजूद है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बेटा आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास आइसो थर्मल प्रोसेस। पहले था थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस, बेटा थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में डिफरेंस है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस ऐसा था जो थर्मल आइसोलेशन में होगा, इसमें ना तो हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर होगी ना ही एग्जिट होगी, जिसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। बट आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस व्हिच इज बीइंग कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ऐसा प्रोसेस जो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल। क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस बीइंग कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे is called isothermal process. इसमें temperature constant है। अगर बेटा temperature constant रहता है तो first law of thermodynamics को in general हम क्या लिखते हैं? First law of thermodynamics लिखते हैं change in internal energy equals Q plus W, ये in general है। और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो फॉर आइसो थर्मल प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। अगर बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो फिर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखूंगा, तो क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स डब्ल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो जीरो किसके इक्वल होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू लूँ दिस विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर मैं डब्ल्यू की वैल्यू लूँ This will be equal to minus Q. बेटा मुझे यहाँ से पता चला कि अगर work done positive है तो Q will be negative. इसका क्या मतलब है? कि अगर आप सिलेंडर में पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ ना, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसी बात है, आप चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर ना बढ़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर से हीट एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए जब वर्क डन पॉजिटिव होगा क्या वो नेगेटिव होगा, हीट एनर्जी बाहर को निकलेगी। और बेटा जब वर्क डन नेगेटिव हो जाए, यानी ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब वर्क डन नेगेटिव से क्या मुराद है? कि पिस्टन अपवर्ड मूव करे। अगर पिस्टन अपवर्ड मूव करता है तो हीट इसका और इसमें हीट एनर्जी एंटर नहीं होती तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर को कम नहीं होने देना चाहते, तो क्या करेंगे? देन वी विल हैव वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, हीट एनर्जी। तो एंड इसी तरह अगर क्यू नेगेटिव हो, क्यू नेगेटिव से मुराद क्यू पॉजिटिव से मुराद है कि क्यू पॉजिटिव है तो डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव मुराद है हीट एनर्जी इसमें एंटर हो रही है। अगर हीट एनर्जी एंटर हो रही है टेम्परेचर बढ़ेगा, आप चाहते हैं कि टेम्परेचर ना बढ़े तो आपको पिस्टन को अपवर्ड मूव कराना पड़ेगा, तो वर्क विल बी नेगेटिव। अगर क्यों नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव